हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, मार्केट काफ़ी क्रैश हो रही है और एक शेयर है जिसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। किस तरीके का शेयर है, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए, सारी बातें करेंगे। क्या एलिगेशन है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहले हम देख लेते हैं, तो जो कंपनी है जिसमें काम करती है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करती है, मिड कैप कंपनी है। 5,895.31 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल है और इसका पी रेशो लगभग 85.44 इंडस्ट्री और जहाँ इंडस्ट्री का है 39.08। डिविडेंड 0.12%, डेट इक्विटी -0.23 एंड नेट सेल्स जो जुलाई जून का जो इनका क्वार्टर था, सेल्स एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों के दोनों इनके बड़े थे। यहाँ पर कोई सब कंपनी ने अपनी नेगेटिव दिखाए थे, यहाँ पर इसी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश करे थे। तो काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री में काम करता है। ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, आइए उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, शेयर का नाम जान लेते हैं। देखो पहले तो रिटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं 10 ईयर्स में लगभग 3,330.92, 5 ईयर्स में 15.10 एंड 1 ईयर में देखिए लगभग 167.35% के रिटर्न। बट 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ्स में इसका परफॉर्मेंस कुछ खास आपको दिखा नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छी है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में जल्द ही इसमें चेंज होता जाएगा, तो इसे अगर हम ना ही देखें तो ही अच्छा रहेगा। तो शेयर का नाम क्या है, तो शेयर का नाम है GM फॉडलर। तो GM फॉडलर में आपको पता ही है पिछले तीन दिन से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है। आप देखेंगे तो देख लीजिए, पहले 10% का यहाँ 5230 पे शेयर चल रहा था, 10% का लोअर सर्किट लगा, फिर उसके बाद 4682 हो गया, फिर उसके बाद अगेन 10% का 42.15 का शेयर चल रहा था, और फिर उसके बाद फिर 5% का आज की डेट में आप जैसे कि आप देख रहे हैं 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। तो लगभग इसलिए शेयर लगभग 4,003.75। इसके पीछे का रीज़न क्या है तो आपको बताना चाहता हूँ, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है OFS। GM फॉडलर OFS लाया है। OFS होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑफर फॉर सेल, जिसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं। तो जो OFS लाया जाता है वो करंट प्राइस के ऑलवेज डिस्काउंटेड वैल्यू पे लाया जाता है। तो आपको जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 5230 पे OFS लाए का अनाउंसमेंट हुआ था, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो OFS इनका जो लाया गया था काफ़ी नीचे स्तर पे लाया गया था, जो कि 3500 रुपीज़ के अबाउट लाया गया था, 3500। अब उन लोगों ने आपको दिखाना चाहता हूँ कि 52 वीक इसका हाई कितना है, लगभग 7000 रुपीज़ है, 6900। तो इतना इसका 52 वीक हाई है, और लोगों ने इधर भी ख़रीदा है, लोगों ने यहाँ पर भी बीच में ख़रीदा है, 6000 में भी ख़रीदा है, 6500 में भी ख़रीदा है, इवन मैंने भी हाई वैल्यू पे ख़रीदा था। और क्या हो गया है कि अब सबके सब स्टॉक हो गए हैं, तो और ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर सर्किट मारे जा रहे हैं और एग्जिट का भी हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो सिंपल से रीज़न क्या है, OFS, और OFS ही एक रीज़न नहीं है, और भी इसमें कुछ खबरें आ रही है, तो आइए उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन क्या लगे हैं ये देखिए, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग SLB डेटा शोज लार्ज बोरोइंग अकर्ड इन द स्टॉक ओवर द पास्ट 1 वीक, एंड विद द OFS अनाउंसमेंट फॉलोइंग सून आफ्टर एंड स्टीप ऑनगोइंग करेक्शन इन द स्टॉक, इट रेजेज सस्पिशियंस एंड नीडलेस टू से इट इज मैटर फॉर द सिक्योरिटी SEBI टू लुक इन टू। तो ये इससे रिलेटेड ये बातें हैं। तो ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो देखिए ये शेयर 5230, तो अब अगर 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे ना आप, तो इसमें इससे पहले जहाँ पर ये 500 पे चल रहा था, यहाँ पर इससे पहले OFS लाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से ख़रीदारी की गई, लगभग 6000 रुपीज़ तक ये शेयर को लाया गया,
कुछ वीक, एक वीक और 2 वीक पहले, कंटिन्यूअसली खरीदारी पे खरीदारी हो रही थी, और अचानक ही इन्होंने 5 डेज पहले, मतलब 3 डेज पहले, इन्होंने कह दिया कि हाँ हम OOFS ला रहे हैं, तो सबके सब अटक गए और लोअर सर्किट अगले दिन से शुरू हो गया। तो इसमें कहा गया है कि इसमें इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, ये सब हुआ है, इस वजह से ये जो हमारा शेयर OFS भी जल्दी से जल्दी लाए, और कुछ बाहर के लोगों को इसके बारे में न्यूज़ थी, इन्होंने जो इनका मैनेजमेंट है या कहीं से भी बाहर के कुछ लोगों को न्यूज़ पता चल गई, जो कि ऑलरेडी अपनी शेयर बेच के निकल गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिस वजह से इसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, और अभी ये शेयर 4,300 पे चल रहा है। OFS ऑलरेडी कल बंद हो गया था, जो कि जो भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था रिटेल के, उसमें जो हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, क्योंकि लोग इसमें डरे हुए हैं, और डरना वाजिब भी है, और आगे चल के क्या होने वाला है कि ये शेयर शायद और भी नीचे आ सकता है। आपका जो 4,000 दिख रहा है, तो ये नीचे आ सकता है, बट इन्होंने इनके मैनेजमेंट में क्लैरिफिकेशन दिया है कुछ, तो उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। देखिए, जीएम फॉलो एमडी सेज प्रमोटर नॉट नॉट कैशिंग आउट एंड स्टेक और सेल्स टू फंड पेरेंट बाय। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि जो OFS लाया गया है वो इनकी जो पेरेंट कंपनी है फॉलो, जीएमएम फॉलर दो अलग अलग कंपनी है, तो फॉलर जो कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है US बेस्ड, इसे खरीदने के लिए OFS ला रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इन्होंने OFS लाया, तो इनका कहना क्या है कि पटेल सेड देयर वर नो प्लान्स टू बाई बोथ DBAG एंड पटेल फैमिली टू सेल एनी मोर शेयर्स फॉर द नेक्स्ट। तो ये इन्होंने कहा कि अगले 3 साल तक हम कोई शेयर नहीं बेचेंगे। पहली बात तो जो अभी OFS आ गया है वो आ गया है, इसके आगे 3 साल तक कुछ नहीं हम कर रहे। एज वेल एज इन्होंने कहा कि स्टेक इज प्रपोज टू बी डन थ्रू GIM इंटरनेशनल। जो स्टेक सेल्स का जो ये जो इनका प्रपोजिशन था, वो फॉर्डलर की तरफ से किया गया था, जो कि इनकी कंपनी है DBAG। DBAG उसने ही अपने सबसे ज़्यादा शेयर्स को OFS के थ्रू बेचा है। तो इन ये एक था, और केवल जो ये पटेल फैमिली है, पटेल फैमिली मीन्स जो जो GMM है, उस उन्होंने केवल 2% ही शेयर्स को अपने सेल किया है, अदरवाइज सारे के सारे शेयर्स लगभग 18% इन्होंने DBAG ने सेल किया है। तो इन्होंने ये कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी डिस्काउंट पे हम लाए हैं, बट फिर भी अब परफॉर्मेंस को देखेंगे हमारी पिछले टाइम की, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो कोई परेशानी नहीं है कंपनी में, हम कोई कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे, कंपनी को बेच के नहीं जा रहे, ये सारी की सारी, और ना ही कोई हमने इनसाइड ट्रेडिंग करी है, ना ही हमारा कंपनी को एग्जिट करने का कोई प्लान है। तो इन्होंने सारी की सारी क्लैरिफिकेशन दिया है। और OFS आपको पता ही है 33% के ब्लो प्राइस पे लाया गया था लगभग 35, क्योंकि 5,200 पे शेयर ऑलरेडी चल रहा था, और हाईएस्ट की बात की जाए 6,900 जो आपको हाईएस्ट, मैंने 52 वीक हाईएस्ट आपको दिखाया था, और अगर इससे कंपैरिजन की जाए तो लगभग 50% डिस्काउंट पे OFS लाया गया था। तो ये सारी की सारी CNBC की में जो इनके पटेल जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने ये सारा इंटरव्यू में बोला था। तो ये सारी की सारी बातें हैं, इनसाइड ट्रेडिंग की खबरें आ रही है। दिस इज़ द रीज़न कि ओ ये शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बट इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हम पेरेंट कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, और जल्दी पेरेंट कंपनी को हम खरीद लेंगे, फिर उसके बाद इस पे आगे वाले जो आने वाले साल है, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, हम पूरा काम पे ही फोकस करेंगे, और अच्छा सा काम पे फोकस करने के बाद ये कंपनी को एक बार खरीद जाए, ये सब कुछ हो जाने के बाद परफॉर्मेंस आगे भी इस तरीके से ही देखा जाएगा। बट इससे कोई भी खुश नहीं है, सब चाहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो आपको पता है 6,000 7,000 जो इस पे फंस गए हैं, तो ऑल दे वांट कि हमें क्यों नहीं पता चली, हमें भी बताना चाहिए, क्योंकि OFS एक ही दिन पहले तुरंत के तुरंत शाम को 7 बजे अनाउंस किया गया, अगले दिन OFS आ गया, और लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट आज तक लगे जा रहे हैं, एग्जिट का मौका नहीं मिल रहा, और ये शेयर काफ़ी डिस्काउंट पे भी आया, तो काफ़ी लोग फंस गए हैं। तो इस वजह से ये सारी की सारी बातें हुई है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मेरी अपनी खुद की पर्सनल व्यू रखने वाला हूँ। तो देखिए, ये शेयर का पहले तो हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, ये 2018 में जो आपको लिस्ट हुआ था 702 रुपये में, NSE की साइट पे, BSE में शायद ये और भी लंबा है,
और ये कंपनी काफ़ी सारी साल पुरानी भी है, लगभग 60-70 ईयर्स पुरानी ये कंपनी है। तो 702 पे शेयर चल रहा था, वो 6900 इसका हाईएस्ट है जो मैंने आपको दिखाया। तो जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, अप ट्रेंड की वजह से है। हम कोविड से पहले भी देख लेते हैं, तो कोविड से पहले ये कोविड जब आया था ओके लगभग 2283 में कंपनी मिल रही थी, 1800 2000 तक भी गया था ये शेयर अगर आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या हुआ है कि इससे पहले कोविड से पहले भी लगभग 3200-3300 रुपये पे ये कंपनी चल रही थी, और OFS जो आया है 3500 पे आया है। तो लगभग इतने पे जो अब 3500 पे जो शेयर आया है ओके एक वैल्यू प्राइस पे आपको शायद मिल सकता है। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि ये एलिगेशन की वजह से, और अगर सेबी ने दोबारा इस पे जांच पड़ताल अगर करी, अभी कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है, बट अगर सेबी करता है तो ये शेयर आपको 2000 रुपीज़ तक भी देने को मिल सकता है, और मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अभी अगर एग्ज़िट का मौका मिलता है तो एग्ज़िट करिए, अगर एग्ज़िट नहीं कर सकते तो ये जब शेयर नीचे आएगा तो नीचे आने पर आप एवरेज कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा के खरीद सकते हैं ओके। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो मैंने आपको ये बताया था इनका बिजनेस, देखिए 154 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट सेल थी और वहीं पर 19 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था। एज वेल एज जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, ये कंटेनर बनाने का काम करते हैं जो केमिकल फार्मा कंपनी में जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स और फार्मा कंपनी में जाके जो कंटेनर यूज़ होते हैं ताकि ये कोई रिएक्शन ना करे, तो ये कंपनी बनाती है। और इंडिया का 50% मार्केट इसी कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। तो बिजनेस मॉडल आउटस्टैंडिंग है ओके, एज वेल एज इनकी सेल्स अच्छी है, 50% मार्केट है, और अभी पेरेंट कंपनी को भी खरीद लेंगे तो पूरा का पूरा होल्डिंग इन्हीं के पास आएगा। तो वर्ल्ड में भी अलग अलग इनके और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो कि अच्छा इन्हें प्रॉफिट कराएंगे, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। एज वेल एज इनकी बैलेंस शीट को मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए रिजर्व्स, देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूसली इनके बढ़ते जा रहे हैं, 138, 161, 182, 240, 268.16 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स हैं ओके। पहले कोई लोन हुआ नहीं करता था ओके, बट इस साल इन्होंने लगभग 11.23 जो कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं, इतना इन करोड़ रुपीज़ का इनके पास अभी डेट है। और कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए तो कैश एंड बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है, इनके पास लगभग 29 करोड़ रुपीज़ का इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ओके, कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास अच्छा है, डेट भी इनके पास कमी है अभी लिया है, एज वेल एज रिजर्व्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे, बिजनेस मॉडल आउटस्टैंडिंग है। इन्होंने डेफिनेटली ये बेच के और OFS ला के अचानक और इस तरीके, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, बट एक बार यहाँ से निकल जाएगा मार्केट, अब दोबारा चलेगी तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, और ये शेयर जितना नीचे मिलेगा उतने पे आप खरीद के इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप बना सकते हैं। बट एक चीज़ दोबारा बताना चाहता हूँ, मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी भागती भी तेज है और गिरती भी तेज है, क्योंकि ये रिस्क RRR साथ में चलता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो इनके साथ साथ चलता है, रिस्क भी ज़्यादा रिवॉर्ड भी ज़्यादा ओके, भागेगी भी तो गिरेगी भी, गिरेगी भी तो भागेगी भी, इस तरीके से इसमें चलता है। तो मिड कैप कंपनी है तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं आप। और शेयर देखिए भागा भी था ओके, किस तरीके के मल्टी बैगर इसने रिटर्न भी दिए, ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो इस कंपनी का कहना यही है, अगर कुछ सेबी ने कुछ नहीं किया ओके, और शेयर का प्राइस और कम आ सकता है मार्केट जैसे ही गिरेगी, तो और भी ज़्यादा आप इसे खरीद सकते हैं, खरीद के अपने पोर्टफोलियो, अगर जितना ये 2000 पे आता है तो और ख़रीद लीजिए, 3000 पे आता है तो थोड़ा अपने हिसाब से आप देख के खरीद सकते हैं। अच्छा शेयर है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और सेल्स भी अच्छी थी, प्रॉफिट भी अच्छा था, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर अभी एग्जिट करने का मौका मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे से तरफ पे आपको ये शेयर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन एज वेल एज आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।